आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। कुकिंग ऑयल की कीमतों में गिरावट हुई है। सरसों और सोयाबीन समेत कई तेल सस्ते हो गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट की निर्यात मांग की वजह से घरेलू बाजार में तेल की कीमतें कम हुई हैं। मूंगफली तेल की कीमतों में भी सुधार हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक निर्यात मांग होने से बीते हफ्ते दिल्ली तेल तिलहन बाजार में मूंगफली तेल की कीमतों में सुधार देखने को मिला। विदेशों में ग्राउंडनट ऑयल यानी मूंगफली तेल की मांग होने से एक्सपोर्टर्स गुजरात में 160 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीद रहे हैं। सूत्रों के अनुसार खाने के तेलों में गिरावट देखने को मिली है। उपभोक्ताओं को 190 से 210 रुपए लीटर सरसों तेल मिल रहा है। इस पर सूत्रों का कहना है कि थोक भाव कम हुए हैं। थोक विक्रेता आगे आपूर्ति करने के लिए रिटेल कंपनियों को 152 रुपए लीटर के हिसाब से सप्लाई कर रही हैं। एक प्रमुख ने शनिवार को 152 रुपए लीटर के भाव से बिक्री की। अगर कंपनियां कीमत में बढ़ोतरी कर रही हैं तब सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए, ऐसा सूत्रों का कहना है। वहीं पिछले सप्ताह सरसों दाने का भाव 100 रुपये कम हुआ, जिसके बाद 7415 से 7465 रुपये क्विंटल पर बंद हुआ था। हफ्ते भर के बाद सोयाबीन दाने और सोयाबीन लूज के थोक भाव 225 रुपये की गिरावट के साथ 6900 और 6600 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुए। गिरावट के बाद सोयाबीन तेल की कीमत नुकसान के साथ बंद हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।